मनावर नगर में बना है शाहीन बाग। तो वहीं 42वां दिन था, बड़ी संख्या में महिला पुरुष ये और बुजुर्ग हर वर्ग के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने विरोध को दर्ज करवा रहे हैं। तो वहीं इसी दौरान पहुंची है नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य सूत्रधार और अपने जीवन को नर्मदा बचाओ आंदोलन में समर्पित करने वाली महान महिला मेघा पाटकर। धरना स्थल पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के काले कानून को जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि काले कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हमसे पुराने कागजात मांग रही है, हम कहां सरला के देंगे। गरीब तबके के लोग मकान तो बनवा नहीं पाते हैं, फिर वो सरकारी कागजातों में कैसे अपना स्थान बना पाएंगे। वहीं उन्होंने कई बातें यहां साझा की हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कोई जरूरत नहीं थी नागरिकता संशोधन कानून की, कानून तो पहले बना हुआ था। इसके अनुच्छेद 51 में आप देखेंगे कि नागरिक का तो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। आज की केंद्र की सरकार संवादहीन नहीं, संवेदनाहीन भी है, और इस प्रकार के अहिंसक आंदोलन को कैसे पेश आए साथ, ये उन्हें पता नहीं। वो अहिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते हैं और हम हिंसा का जवाब अहिंसा से देना चाहते हैं। और CAA पर वो अगर जवाब भी दे तो क्या जवाब दें। CAA में धारा 2 में जो प्रोविज़ो इन्होंने लगाया या धारा 4 में जो परिवर्तन लाया वो बिना कारण, वो ज़रूरी नहीं था। नागरिकता कानून तो 1955 से बना हुआ था, चल रही थी बात, हमारी वोट उन्होंने ले लिया, नागरिक माना, लेकिन आज वो अलग दिशा में जा रहे हैं। उनको लगा था कि आसाम से शुरू करके जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ के वो घुसपैठियों को निकालेंगे। अब कौन घुसपैठिए निकल आए बताइए। उल्टे श्रीलंका से आए हुए 300,000 तमिलनाडु में है, वो आज नागरिकता मानते हुए सालों निकल गए, किसी को तो 20 साल निकल गए, आज तक उनको नागरिकता सादे कानून के तहत भी नहीं दी गई। तो अगर करना है नागरिकता देने का काम तो केवल लेने की बात करके नहीं चलेगा, और केवल एक मजहब को दूर करना ये तो संविधान के पूरा खिलाफ। NPR और NRC अलग करके दिखा रहे हैं, कभी कहते हैं हम NPR करेंगे पर NRC का अभी निर्णय नहीं हुआ है, सब झूठ है। NPR और NRC का डेटा एक ही होगा। NPR के डेटा से फिर डाउटफुल यानी संदेहास्पद सिटीजन्स को, नागरिक को बाजू में निकाला जाएगा। इसलिए NPR होने देने की बात अगर नीतीश कुमार कहते हैं तो भी कमलनाथ जी ने नहीं करनी।